काल टेंस। बच्चों, चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों के द्वारा ज्ञात हो रहा है कि कार्य किस काल में हो रहा है। जैसे पहले चित्र एवं वाक्य में मीनाक्षी ने पुस्तक पढ़ी, अर्थात समय बीत चुका, भूतकाल। दूसरे चित्र एवं वाक्य में पढ़ रहे हो, अर्थात क्रिया चल रही है, वर्तमान काल। तीसरे चित्र एवं वाक्य में नदी में तैरेंगे, अर्थात क्रिया होने वाली है, भविष्य काल। काल का संबंध क्रिया के होने के समय से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। मीनाक्षी ने पुस्तक पढ़ी, भूतकाल। तुम पढ़ रहे हो, वर्तमान काल। हम नदी में तैरेंगे, भविष्य काल। काल के तीन भेद होते हैं। काल के भेद, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। का भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे आ, अंशु ने पत्र लिखा। ब, छात्र फुटबॉल खेलते थे। उपर्युक्त वाक्यों में लिखा एवं खेलते थे क्रियाएं भूतकाल की हैं। भूतकाल के छह भेद होते हैं। एक, सामान्य भूतकाल, वर्षा हुई, लड़के आए। दो, आसन्न भूतकाल, गाड़ी आ गई है, उसने लड़ाई की है। तीन, पूर्ण भूतकाल, वर्षा हुई थी, लड़के आए थे, गाड़ी चली गई। चार, अपूर्ण भूतकाल, गाड़ी आ रही थी, मैं जा रही थी। पांच, संदिग्ध भूतकाल, वर्षा हुई होगी, अध्यापक ने पढ़ाया होगा। छः, हेतु हेतुमत भूतकाल, यदि वह आता तो मैं जाता, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। ख, वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अ, माँ रसोई में खाना बना रही हैं। ब, आसमान में सूरज चमक रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में बनाना एवं चमकना की क्रियाएं अब भी हो रही हैं। इनसे वर्तमान काल का बोध हो रहा है। वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं। एक, सामान्य वर्तमान, मैं पत्र लिखता हूँ, राधा गाती है। दो, संदिग्ध वर्तमान, वह पढ़ता होगा, राधा प्रतीक्षा करती होगी। तीन, अपूर्ण वर्तमान, हम खा रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। ग, भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी आने वाले समय में पूरी होगी, उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे अ, पक्षी घोंसले से उड़ जाएंगे। ब, शाम को वर्षा होगी। उपर्युक्त वाक्यों में उड़ जाएंगे एवं वर्षा होगी से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होंगे, अर्थात भविष्य काल में होंगे। भविष्य काल के तीन भेद होते हैं। एक, सामान्य भविष्य, मैं खेलूंगा, तुम पढ़ोगे। दो, संभाव्य भविष्य, शायद हम आज जाएंगे, हो सकता है वह आए। तीन, सातत्य बोधक भविष्य, मैं रोज पुस्तकालय जाऊंगा, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा।